फोटोज देनी होगी। फोटोज देने के लिए मुझे यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 फोटो दे सकते हैं। एक फोटो मंडेटरी है आपकी, यानी कि एक तो देनी देनी है। किसी किसी कैटेगरी में 2 फोटो आपकी मंडेटरी होती है, तो जिन पर भी ये स्टार मार्क आ रहा है इसका मतलब ये मंडेटरी इमेजेस है। ये तो आपको प्रोवाइड करनी करनी है, बाकी आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहे तो दीजिए नहीं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं सजेशन दूंगी कि एटलीस्ट 3 से 4 फोटोज आप अपलोड करें, इससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है और हमारी जो कैटलॉग होती है वो भी बेटर लगती है। अपलोड करने के लिए इस एरो मार्क पे क्लिक करेंगे, जहां पे भी आपने फोटोज को सेव करके रख रखा होगा वहां से फोटोज को लीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, बट आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं मेंशन करना, प्रॉपरली इमेज ही देंगे प्रोडक्ट्स की, फोटोज की। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बस एक ले लिया था स्क्रीनशॉट। सो नाउ सेकेंड इमेज अपलोड करनी है, तो इसी के अब मुझे यहाँ पे सेकेंड इमेज भी अपलोड करनी होगी इसी प्रोडक्ट की। सो हमने इसी प्रोडक्ट का जो सेकेंड इमेज है वो भी अपलोड कर दिया। आप देखेंगे प्रोडक्ट पूरा विजिबल है, प्रोडक्ट प्रॉपर समझ आ रहा है कि इसका डिजाइन क्या है। तो इसी तरीके का आप इमेज अपलोड करेंगे। नाउ इसे सेव कर देंगे, जैसे ही सेव करेंगे आपको ग्रीन मार्क आ चुका है, यानी कि फोटोज बिल्कुल ठीक अपलोड करी है आपने। नेक्स्ट है मेरा प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन, अब ये मेंशन करना है। सो हम एडिट पे जाएंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी SQID मेंशन कर देनी है। SQID सेलर SQID होती है। SQID का फुल फॉर्म होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आप अपने हर प्रोडक्ट को डिफरेंट देंगे, एक यूनिक आईडी होती है हर प्रोडक्ट की, और ये एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है, खुद से आप क्रिएट करते हैं इसे, सेलर ही क्रिएट करता है। सो मैंने यहाँ पे ये झुमका था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया झुमका मल्टी कलर और साथ में कुछ नंबर दे दिया, है कि मेरे कंफर्ट के लिए मुझे याद रहे कि ये एक झुमका है मल्टी कलर्स का है, या फिर रेड कलर है, तो मैं यहाँ पे रेड कलर कर देती हूँ। तो जो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, मतलब एक फॉर्मेट मैंने बता दिया अपने अकॉर्डिंगली। अगर ये क्लॉथिंग होता तो मैं यहाँ पे साइजेस दे देती कि ये S है, M है, L है, जिससे कि मेरा खुद कंफर्मेशन रहता। नाउ सेकेंड चीज, आपको लिस्टिंग स्टेटस, यहाँ पर आपको एक्टिव या इनएक्टिव, तो आपको सीधा एक्टिव करना है। अगर इनएक्टिव कर देंगे तो बायर पोर्टल पे विजिबल ही नहीं होगी लिस्टिंग पास होने के बाद भी। MRP, अब जितनी इस प्रोडक्ट की MRP है उसे आपको मेंशन करना। फॉर एग्जांपल इसकी जो MRP है वो मैंने मेंशन कर दी 500। सेलिंग प्राइस कितने में मैं सेल करना चाहती, मैं इसे 299 में सेल करना चाहती या फिर 199 में सेल करना चाहती, तो जो भी आपको सेल करना, जितना भी प्राइस में सेल करना आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसे स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिए थोड़ा सा, देन है आपका फुलफिलमेंट बाय। यहाँ पर आपको सेलर ही करना है क्योंकि ऑर्डर आएगा तो आप ही इसे प्रोसेस करेंगे। प्रोक्योरमेंट टाइप में एक्सप्रेस लीजिए, एक्सप्रेस होता क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है मेरा प्रोक्योरमेंट SLA, यहाँ पर आपको 2 करना होता है। अगर एक्सप्रेस लिया है तो बाय डिफॉल्ट 2 घंटे मिल जाएंगे आपको, और अगर मैंने यहाँ पे इंस्टॉक करा होता तो बाय डिफॉल्ट 2 दिन मिल जाते मुझे, लेकिन यहाँ पे मेंशन 2 ही करना होता है। एज अ न्यू सेलर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि एक्सप्रेस लीजिए, इससे आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन नीचे आपको स्टॉक, कितने प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास 50 अवेलेबल है, मैंने 50 कर दिया, या फिर 10 है तो मैं 10 ही करूंगी। 5 से कम रखेंगे तो वो लो स्टॉक में आपके काउंट होते, तो मिनिमम 5 स्टॉक आप मेंटेन करेंगे। शिपिंग प्रोवाइडर में फ्लिपकार्ट करेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट की टीम ही आपके प्रोडक्ट को लेके जाती है कस्टमर तक। अब यहाँ पे देखिए आपको पैकेजिंग डिटेल्स आ रही है। पैकेजिंग डिटेल्स में आप प्रोडक्ट की लेंथ विथ हाइट नहीं लिखते हैं जिसमें आप उसे पैक करेंगे। जैसे कि एक झुमका है तो मैं इसे नॉर्मली एक पेपर बैग में पैक कर सकती हूँ या फिर प्लास्टिक के में, तो आप उसमें उसकी लेंथ विथ हाइट मेंशन करेंगे। सो ये छोटा प्रोडक्ट, इसकी डायमेंशन कमी होगी, तो मैं यहाँ पे हाइट में 10 कर देती हूँ इस तरीके से, एंड ब्रेथ में मैंने मेंशन कर दिया 8 और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 5। तो आप जो भी डायमेंशन देंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी पैकेजिंग का डायमेंशन आ रहा है, इससे कम है तो इससे कम मेंशन कर दीजिए, जो भी एग्जैक्टली ही मेंशन करेंगे। वेट अभी कितने ग्राम का होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम, तो मैं 0.1 कर दूंगी, क्योंकि जो वेट स्लैब होता है वो 0 से लेके 500 ग्राम का ही होता है। अगर आप 50 ग्राम भी कर रहे हैं या फिर 500 ग्राम भी कर रहे हैं तो सेम ही चार्जेस लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक अप्रोक्स 100 ग्राम कर दिया, तो 0.1 कर दिया। नाउ नेक्स्ट है नीचे हमारा सेलिंग प्रेफरेंस। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है तो आप लोकल जोनल एंड नेशनल ही सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे शो हो जाती है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड क्या होता है? ये एक टैक्स कोड होता है जो आपके जीएसटी से रिलेट करता है और गवर्नमेंट इसे खुद प्रोवाइड करती है। दो ऑप्शन है, आप गूगल पे जाके सीधा सर्च कर सकते हैं एचएसएन कोड फॉर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आपको मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे जाइए फाइंड रेलिवेंट पे, आपको यहीं पे शो कर जाएगा। अब ये आपका हैंडबैग था या फिर वर्क है क्लासिक फॉर वर्क, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड, यानी कि जो इसमें चीजें यूज हुई होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको शो करेगा। सो आप यहाँ पे प्रॉपरली इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे शो यहाँ पे देखिए ज्वेलरी के रिगार्डिंग यहाँ पे नीचे शो कर गया, आर्टिफिशियल आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी आपको ये शो कर रहा है। तो यहाँ से आपको बस देखना होता है कौन सी मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल हम इसे सेंटिक स्टोन एंड प्रिलिस में मेंशन कर दे कि इसमें स्टोन यूज हो रखा है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी इस तरीके से। देन नेक्स्ट होता है हमारा टैक्स कोड। तो आपके प्रोडक्ट पे जीएसटी क्या लग रहा है, 3%, 5%, 0%, आप उसमें सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इन केस आपने गलत भी सिलेक्ट कर दिया तो आपको ऑन टाइम में शो भी कर जाता है कि आपने गलत सिलेक्ट करा है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगी कुछ भी गलत होगा तो। यहाँ पर आप देखेंगे कंट्री ऑफ ओरिजिन में आपको जहाँ से ये प्रोडक्ट बना है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में बना तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, अगर किसी दूसरी कंट्री में बना है तो फिर आपको मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, या फिर आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसके मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स मेंशन कीजिए। बट ये कोई ब्रांडेड नहीं था तो मैंने इसे अपना नेम दे दिया, लाइक आई एम द सेलर नेहा फैशन करते हैं मैंने। पैकर में आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है बिकॉज ऑफ आप ही इसे पैक करेंगे। अब इतनी डिटेल्स फिल होने के बाद इसे आप सेव करेंगे, सेव करते ही आपको ऑन टाइम शो हो जाता है अगर कोई भी एरर होगा तो। वो वाला जो स्लैब है वो मेरा रेड हो जाता है, तो हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो भी स्लैब मेरा रेड होगा वो मेरा एरर है। तो यहाँ पे बाकी चीज देखिए, यहाँ पर आपका जो जीएसटी है वो आपने गलत आपका यूज करा है आपने, क्योंकि इस पर आपके 3% लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3% करके सेव कर देंगे। सो आपका ऑन टाइम ये ठीक हो जाएगा। अब आप देखेंगे कोई सा भी जो सेल्स है वो यहाँ पर एरर शो नहीं करेगा, सारे जो सेल्स है वो बिल्कुल ग्रीन में शो करे, यानी कि सभी चीजें बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो ये आपका सेम शो करेगा। नाउ एक चीज और बताना चाहूंगी, हम किसी भी कैटेगरी में क्यों ना लिस्टिंग करें, कोई सी भी कैटेगरी हो, अभी तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है सभी कैटेगरीज के लिए। पहले एड न्यू लिस्टिंग पे ही जाना है, वर्टिकल ही सिलेक्ट करना है, देन ब्रांड ही सिलेक्ट करना है, और फोटोज अपलोड करनी है, एंड देन प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन में ये सेम ही चीजें आती है जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन करी, SQID, लिस्टिंग स्टेटस, यही सब चीजें आएगी आपको, ये सभी कैटेगरीज में सेम रहती है। तो यहाँ पर आप तो सेम मेंशन करें, बस आपका चेंज क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट ये हमारा चेंज हो जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल्स होती है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होती है। अब मैंने यहाँ पे कोई ज्वेलरी सेट लिया होता तो उसके अकॉर्डिंग शो करेगा, कोई शूज लिया होता तो उसके अकॉर्डिंग शो करेगा, कोई किड ड्रेस ली होती तो उसके अकॉर्डिंग शो करेगा, लेकिन जो ये चीजें ये सेम ही रहती है। तो ये यहाँ तक तो प्रोसेस सेम होता है सभी कैटेगरीज के लिए। नाउ हमें क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है, इसमें प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मेंशन करनी होती है, वो हमेशा सही मेंशन करना है। सबसे पहले मॉडल नंबर, मॉडल नंबर एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जो ब्रांड अपने प्रोडक्ट को खुद प्रोवाइड कर, मॉडल नंबर एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जो ब्रांड खुद प्रोवाइड करती है। बट अगर आपका प्रोडक्ट कोई ब्रांडेड नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक जनरेट कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया झुमका 123 इस तरीके से। टाइप्स में अभी किस टाइप का है, ये आपका क्लिप ऑन इयररिंग है, क्लफ इयररिंग है, ईयर थ्रेड इयररिंग है, इयररिंग सेट है, या फिर आपका झुमकी इयररिंग है, तो अकॉर्डिंग टू इमेज ये झुमका टाइप है। तो हम यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही मेंशन करना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स होती है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होता है, और आपको एग्जैक्ट मेंशन करना है सही मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज में तो मुझे झुमकी लग रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर दिया ये प्लग इयररिंग है, यानी कि जो पीछे से हम जो टैप लगा के पहनते हैं टॉप्स टाइप वाला है, मैंने मेंशन, तो कस्टमर जब मेरे प्रोडक्ट को देखेगा तो दे कैन कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि फोटो तो कुछ और शो कर रही है और डिटेल्स पे कुछ और शो कर रहा है, इसलिए हमेशा डिटेल्स बिल्कुल ठीक मेंशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा होता है कलर।
कलर में अभी किस कलर का है, तो यहाँ पर आपको सारे कलर्स अवेलेबल है। मल्टी कलर तो मल्टी कलर मेंशन कर देंगे, ये आपका रेड में है तो मैंने यहाँ से रेड में कर दिया। आइडल फॉर्म में किसके लिए है ये, बेबीज बॉय, बेबीज गर्ल, वुमेन, मैन, तो ऑब्वियसली बात है वुमेन्स के लिए ही होगी, वुमेन कर दिया मैंने। अब मॉडल नेम में आपको अपने प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर देना होता है, तो यहाँ पर मैंने झुमका मेंशन कर दिया। अगर ये झुमके में भी टाइप्स होते हैं, कुछ आपके गुजराती टाइप इयररिंग्स होते हैं, कुछ अरेबिक इयररिंग्स होते हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। बेस मटेरियल में अभी किस चीज का बना है, ये मेटल का है आपका, या फिर लेदर का है, जूट का है, ग्लास का है, फैब्रिक है यानी कपड़े का है, कॉटन डोरी, क्रिस्टल, एल्युमिनियम, ऑली, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस, कॉपर, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप देखिए कि ये किस चीज का बना है, तो यहाँ पर आप चेक करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट का बेस मटेरियल क्या है। सो यहाँ पे लकड़ी का है तो लकड़ी का भी ऑप्शंस आपको दिया गया है। यहाँ पे स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, सिल्वर है, चांदी है तो चांदी का मेंशन करेंगे, सिलिकॉन, तो आप देखिए किस प्रोडक्ट क्या इसका बेस मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया। जेम्स स्टोन, क्या इसमें जेम्स स्टोन अवेलेबल है, जो स्टोन होते हैं तो स्टोन भी अलग अलग क्रिस्टल टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस स्टोन से लगे हुए हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हाँ अवेलेबल है। तो बाकी आप अपने प्रोडक्ट पे देखकर जो भी इसमें डील करते हैं उनको पता होता है प्रॉपरली, तो मेंशन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे आपको क्रिस्टल मेंशन कर दे रहे हैं। डायमंड क्लैरिटी, अगर डायमंड होता तो उसकी क्लैरिटी आपको देनी होती, लाइक वो FL है, 1-2 है, जो भी है, नहीं है तो सीधा NA कर दीजिए कि कोई डायमंड अवेलेबल नहीं है मेरे इसमें। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। कलेक्शन में अब ये एथनिक के लिए है, कंटेम्प्रेरी यानी कि जो थोड़ा हमारे अरेबिक होते हैं वो आपके इसमें चले जाएंगे, वेस्टर्न वियर जो होते हैं हमारे, और एथनिक टाइप पूरे प्रॉपर जो एथनिक वाले होते हैं हम इसे एथनिक में मेंशन कर देंगे। प्लेटिंग है इस पर किसी चीज की, गोल्ड की प्लेटिंग है, सिल्वर की प्लेटिंग है, तो वो आप मेंशन कर देते हैं, नहीं है तो एनए करेंगे, अगर है तो मैंने यहाँ पे कहा आप इसे गोल्ड का प्लेटिन करा हुआ है। सिल्वर वेट, सिल्वर का कोई वेट है तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज जीरो मेंशन कर दीजिए कि नहीं कोई सिल्वर वेट नहीं है, देन इसे सेव कर देंगे। सेव करते ही यहाँ पर आपको ग्रीन मार्क आएगा, आई थिंक कुछ चीजें रह गई है, लाइक दिस, इस तरीके से ये सेव नहीं हुई, इसे दोबारा कर देते हैं। अगर कुछ चीज सिलेक्ट नहीं हुई, बीच में मैंने दूसरा टैब ओपन करे थे इसलिए सिलेक्ट ये सेव नहीं हुई थी। सो नाउ मैं दोबारा आपको दिखाते हैं, पे ग्रीन मार्क आ जाता है इसमें। इस मटेरियल में हम यहाँ पे ले ले रहे कुछ भी जो आपको दिखाने के लिए, बाकी यहाँ पे सेव हो गई थी ना, इसे हमने यहाँ पे सेव करा, ये इस तरीके से ग्रीन मार्क हो जाएगा। इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद भी आप इसे सेंड टू क्यूसी कर सकते हैं, ऊपर ऑप्शन आ जाता है आपके पास सेंड टू क्यूसी करने का, बट एक चीज और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, वो एडिशनल डिस्क्रिप्शन में तीन चीजें आपको फिल करनी होती है जो आपके कैटलॉग के लिए बेटर होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसे फिल कीजिए। सब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सभी चीजें आपको नहीं फिल करनी होती क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता भी नहीं है, अलग कैटेगरी आ जाती है। लेकिन ये देखिए डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, उसमें क्या खासियत है, उसका क्या यूज है, एक प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द सर्च कीवर्ड, अगर आपके प्रोडक्ट पे सर्च कीवर्ड नहीं होंगे तो प्रोडक्ट फाइंड ही नहीं हो पाता, विजिबिलिटी ही नहीं आती। तो यहाँ पे मिनिमम 5 सर्च कीवर्ड आपको मेंशन करना है, एंड मैं सजेस्ट करती हूँ कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ऐड कीजिए। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए बायर पोर्टल पे जाइए, flipkart.com पे, इस तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए झुमका, आप झुमका के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर आप सीधा मेंशन कर दीजिए इयर रिंग, क्योंकि इयर रिंग में सभी आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं इयर रिंग लिख रही हूँ तो इयर रिंग्स फॉर गर्ल्स, इयर रिंग्स फॉर वुमेन, वेडिंग्स, कॉम्बो सेट, पार्टी वियर, लॉन्ग इयर रिंग विथ मांग टीका, इयर रिंग फॉर गर्ल्स वेडिंग लॉन्ग, इस तरीके से कस्टमर सर्च कर रहा है, ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं। तो आप इन्हीं को देखकर अपने अकॉर्डिंगली यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक रिंग्स फॉर वुमेन, एक वर्ड में एक जो एक बॉक्स है उसमें एक ही कीवर्ड्स ऐड करना है, फिर नेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट में लिख देंगे आप, देन फिर इस मेंशन करते जाएंगे जो भी आपके कीवर्ड्स है, फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट यूज करेंगे, तो ऐसे ही आपको मेंशन करना होता है। तो आपको सजेशन में अलग आ रहा था, तो लेकिन जो भी आप कीवर्ड्स मेंशन करेंगे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली मेंशन करेंगे, फिर आपके पास बॉक्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। देन नेक्स्ट होता है आपका
की फीचर्स का, की फीचर्स में आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो आप मेंशन कर देते, जैसे कि कुछ खासियत है, ये डायमंड वाला होता, क्रिस्टल होता, जो राजस्थानी ज्वेलरी जैसे होती है तो वो आप लिख सकते हैं। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का कुछ खास चीज है वो आप यहाँ मेंशन कर देते हैं, देन इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नीचे ही एक ऑप्शन आता है क्रिएट वेरिएंट का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपके पास ये ऑप्शन विजिबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स अ टेस्ट अकाउंट, तो इसलिए यहाँ पर विजिबल नहीं हो पा रहा, बट आपके पास ये ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, डोंट वरी। क्रिएट न्यू पे आप यहाँ पे क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे। अब इस सेम ही, क्योंकि यहाँ पर आपका ये इयररिंग है तो इसमें तो कोई साइज होता नहीं है, हाँ यहाँ पर आपके पास कलर के ऑप्शन होते, तो आपके पास कलर के अकॉर्डिंगली वेरिएंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक चीज बता देती हूँ, अगर आप कभी भी कलर का वेरिएंट क्रिएट करेंगे तो आपको फोटोज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका वेरिएंट क्रिएट होगा। नाउ सारे वेरिएंट क्रिएट करने के बाद सेंड टू क्यूसी कर दीजिएगा। सेंड टू क्यूसी कर देंगे तो ऐड न्यू लिस्टिंग पे ही जब आप नीचे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टेटस शो कर जाता है। पहले क्यूसी प्रोग्रेस शो करेगा, क्यूसी पास हो गया तो 72 आवर्स का टाइम लगता है, 72 आवर्स में ये क्यूसी पास्ट में शो कर जाता है। अगर फेल हो गया तो लिस्टिंग क्रिएशन एरर में शो करेगा या फिर क्यूसी फेल्ड में शो करेगा। आप फिक्स एरर पे जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे इशू आता है, इस इशू में जाकर कि क्या इशू आ रहा है मेरे प्रोडक्ट पे, क्यों ये फेल हुई है, उस रीजन को देखिए, उसके अकॉर्डिंगली वर्क चेंज कर देंगे, दोबारा से सेंड टू क्यूसी कर देंगे, चेंज करके आपका जो एरर है वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, लाइक जो भी मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होता है मैं यहाँ से चेंजेस कर लेती हूँ, देन दोबारा सेव कर दूंगी, फिर आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे देख क्रिएट वेरिएंट का ऑप्शन आया, तो आपके पास भी इसी तरीके से ऑप्शन आएगा, मैं दिखाई देती हूँ यहाँ पे वेरिएंट कैसे क्रिएट करना होता है। क्रिएट पे जाएंगे, कलर एंड साइज दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं कलर पे क्रिएट न्यू करती हूँ, कलर मेंशन कर दूंगी, मैंने ब्लैक कर दिया, रेड कर दिया, या जो भी मेरे पास होगा मैं वो मेंशन कर दूंगी मैं यहाँ पे, फिर देन क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करना होता है, देन आप देखेंगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा, प्रोडक्ट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ चुकी है। प्राइस स्टॉक में सिर्फ 3 एरर होते हैं, वो आपको मेंशन करना, जिसमें एक आपका SQID होता है, सेलिंग प्राइस एंड MRP, एंड फोटोज देनी पड़ती है, बट साइज के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको फोटोज नहीं देनी पड़ेगी, तो यहीं से कर लेंगे आपके लिए बेटर होता है। ये फिल करके सबको फिल सब कुछ फिल करके दोबारा सेव करके सेंड टू क्यूसी कर दीजिए, ये लिस्टिंग आपके दोनों वेरिएंट लाइव हो जाएंगे। ऐसे ही करना होता है और यहीं से आप स्टेटस भी देख सकते हैं। और जब भी अपने लिस्टिंग को क्यूसी मतलब सेंड टू क्यूसी कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका 72 आवर्स के विदिन आपको उसका स्टेटस शो हो जाएगा कि लिस्टिंग पास है या फेल है या फिर जो भी एरर आ रहा है आप देख सकते हैं। सो ये हमारी एक सिंगल लिस्टिंग थी, प्रॉपर सिंगल लिस्टिंग हम इसे बोलते हैं। बट अब सेकेंड ऑप्शन है मेरा लैचन का। लैचन क्या होती है, सबसे पहले तो लैचन का मतलब होता है, यहीं पे देख लीजिए, क्रिएट यूजिंग प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी सेल हो रहे मुझे उसे ही रीसेल करना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है आपका, हम बायर पोर्टल पे जा रहे हैं, यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे लाइक इयररिंग का ही ले रही, मैं आज इसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, या फिर ज्वेलरी का ले लेती हूँ मैं, मैंने यहाँ ज्वेलरी फॉर वुमेन सर्च कर दिया। अब मैंने देखा कि ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास भी है, मैं भी इसे लिस्ट करना चाह रही हूँ, पर मैं उसे मुझे पूरी लिस्टिंग नहीं करनी, मतलब सारी इमेजेस नहीं देने, सब डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करनी, तो मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करा और यहाँ पे जाके इसके लिंक को कॉपी कर लिया इस तरीके से, अपने डैशबोर्ड पर आई और यहाँ जाकर इसे पेस्ट कर दिया एंड देन सर्च कर दिया। जैसे ही सर्च हुआ मैं देखिए प्रोडक्ट्स की फोटोज आ गई, डिटेल्स भी आ गई, सेम प्रोडक्ट है जो मैंने यहाँ पे देखा था। अब मुझे सिर्फ स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है और सेलिंग इन्फॉर्मेशन दे देनी है, यानी कि सेलर SQID, लिस्टिंग स्टेटस, MRP और अपने HSN कोड, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, ये सब मुझे यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना है, देन सीधा सबमिट कर दूंगी। लैचिंग आप उन्हीं प्रोडक्ट का कर सकते हैं जो ओपन ब्रांड होते हैं या फिर आपके पास अप्रूवल है। तो अगर मैं जैसे इसे सबमिट करूंगी मुझे शो कर जाएगा, अगर यहाँ पे ग्रीन मार्क बनकर आता है और लिख कर आएगा लिस्टिंग क्रिएटेड, इसका मतलब है कि इट इज अ ओपन ब्रांड, इसमें कोई भी लैचिंग कर सकता है। सॉरी, सो आप यहाँ पे प्रॉपरली आपकी लैचिंग हो जाएगी। एक चीज और बता देती हूँ, लैचिंग करी हुई प्रोडक्ट कभी भी क्यूसी में नहीं जाती, वो डायरेक्ट लाइव हो जाती है। बट जैसे ही मैं सबमिट कर रही हूँ, अगर सबमिट करते ही ऊपर एक लिख कर आ जाता है कि अप्लाई फॉर अप्रूवल,
तो आप उसका मतलब ये हो जाता है कि इस वाले ब्रांड में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ ये कोई ओपन ब्रांड नहीं है, ये रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो आपको फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा तो ही आप ले सकते हैं। लैचिंग उन्हीं प्रोडक्ट्स का होता है जो जिसका ब्रांड मेरे पास है या फिर वो ओपन ब्रांड में। आप हर प्रोडक्ट को लैच नहीं कर सकते हैं। सो एक ऑप्शन आपको दिया है फ्लिपकार्ट ने, अगर ये ओपन ब्रांड है आप सबमिट करके चेक कर सकते हैं। नाउ अगर आपको फोन से लिस्टिंग करनी है तो उसे कैसे करनी, मैं वो बता देती हूँ। अभी तक हम डेस्कटॉप से कर रहे थे, लेकिन अगर आप जो फोन का मोबाइल ऐप है वहां से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप कर सकते हैं। वहां से आप बल्क लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे, मैं पहले बता देती हूँ। सिंगल लिस्टिंग एंड लैचिंग कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपके पास फ्लिपकार्ट का सेलर हब एप्लीकेशन होना जरूरी है, उसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करेंगे तो इस तरीके से टैब ओपन हो जाएगा, ये होम पेज हो जाता है आपके नेम के साथ, यहाँ पे आ जाएगा। थ्री डॉट पे थ्री पहले लाइन आ रही है, इस पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग पे क्लिक कर लीजिए। एड लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, दो पॉपअप आएगा, फ्लिपकार्ट पे करना है, शॉपसी पे करना है। मुझे फ्लिपकार्ट पे करना था, मैंने फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लिया। एंड ऊपर देखिए, एंटर प्रोडक्ट टाइटल, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का जो लिंक है वो पेस्ट कर देती हूँ तो मेरी लैचिंग वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ जो ऊपर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक लाइए और पेस्ट कर दीजिए। सेम आपको जैसे डेस्कटॉप पर ओपन हुआ था, पूरी प्रॉपर प्रोडक्ट की डिटेल्स वो ओपन हो जाएगी। और साथ में ही आप उस पर स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करके डिटेल्स को फिल कीजिए, सेलिंग इन्फॉर्मेशन को फिल कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगर प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं हुआ, ओपन ब्रांड हुआ, तो आपकी लैच ऑन टाइम ही हो जाएगी। और अगर ब्रांडेड हुआ तो आपको लिखकर आ जाता है अप्लाई फॉर द अप्रूवल, तो आप अप्रूवल लेने के बाद उस प्रोडक्ट को लैच कर सकते हैं। लेकिन आपको न्यू लिस्टिंग करनी है तो नीचे आइए, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कीजिए, फिर अपने वर्टिकल को सिलेक्ट कीजिए। वर्टिकल जैसे हमने नॉर्मली डेस्कटॉप पे करा था सर्च करके या फिर ऑल कैटेगरी में जाके, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है, जैसे जैसे अपने डेस्कटॉप पे यूज किया वैसे आप फोन पर भी कर सकते हैं, ऐप पर भी। वर्टिकल सिलेक्ट होने के बाद कंफर्म एंड नेक्स्ट कर देंगे, फिर आपको अपना ब्रांड सिलेक्ट कर लेना है। ब्रांड सिलेक्ट में ब्रांड का नेम दीजिए, चेक ब्रांड कीजिए। अगर ग्रीन मार्क आ गया यानी कि ओपन ब्रांड है, लेकिन अगर ब्रांड अप्रूवल का टैब ओपन हो जाएगा इसका मतलब है ये रजिस्टर्ड ब्रांड है, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर आपको सेम अप्रूवल का स्टेटस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये अप्रूव था तो मैंने कन्फर्म एंड नेक्स्ट कर दिया। फोटोज अपलोड कीजिए, सारी गाइडलाइंस अवेलेबल है, फोटोज की व्यू है, दो तरीके से फोटो अपलोड कर सकते हैं, गैलरी या फिर टेक अ पिक्चर। इसका मतलब होता है ऑन टाइम क्लिक कर लीजिए या फिर गैलरी से अपलोड कर लीजिए। सारे व्यूज अपलोड करने के बाद सेंड टू क्यूसी करना पड़ता है, बस इतना सा चेंज होता है कि आपको फोटोज अपलोड करने के बाद सेंड टू क्यूसी कीजिए, उसके बाद डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा। फिर आप डिटेल्स फिल कर लेंगे, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एडिशनल डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगेन लास्ट में सेंड टू क्यूसी दोबारा करेंगे तो ये क्यूसी इन प्रोग्रेस में शो कर जाएगी, एंड देन विद इन 72 आवर्स आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। सो ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस सेम होता है, बस आपको यहाँ पे ऐप में फोटो सेव करने के बाद उसे सेंड टू क्यूसी कर देना होता है। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी आप लिस्टिंग करेंगे तो प्रोक्योरमेंट टाइप को एक्सप्रेस लीजिए। एक्सप्रेस होती क्या है, तो एक्सप्रेस एक फास्टेस्ट डिलीवरी होती है जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम डे पिक हो जाता है, यानी कि डिस्पैच हो जाता है। अब ये आपके लिए बेनिफिट इसलिए है बिकॉज ऑफ 90% जो कस्टमर है वो फास्ट डिलीवरी को ही प्रेफर करते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता फ्लिपकार्ट आपसे, इसलिए आपको यहाँ पे फ्री डिलीवरी शो करा, यानी कि एक्सप्रेस में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं पे करना। आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस हो जाते हैं, आपकी रिटर्न एंड कैंसिलेशन कम हो जाता है, और कस्टमर आपको रेटिंग एंड रिव्यूज अच्छी देगा। जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो आपके हर ऑर्डर के साथ ये टाइम बन के आ जाता है, तो ये जो स्लॉट होता है ये आरटीडी मार्क करने का स्लॉट होता है जो अकॉर्डिंग टू योर प्रोक्योरमेंट टाइप होगा। अगर आपको 10 बजे से पहले ऑर्डर आ चुका है तो 10 से 12 का टाइम शो करेगा, उसके बीच ही आपको आरटीडी मार्क कर देना है। लेकिन अगर आपके पास 10 बजे से बाद का ऑर्डर आ रहा है तो फिर नेक्स्ट डे का टाइम होता है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप आरटीडी मार्क कर देंगे। बट जैसे कि मैंने जब न्यू लिस्टिंग करी तब तो मैंने डायरेक्टली एक्सप्रेस में करके लिस्टिंग कर दी, लेकिन अगर मेरी जो लिस्टिंग हो चुकी है मुझे उसे एक्सप्रेस में मूव करना तो क्या करना है, तो लिस्टिंग के टैब में, माय लिस्टिंग के टैब में जाना है। ये लिस्टिंग मैनेजमेंट टैब होता है, जो भी मेरी लिस्टिंग एक बार हो जाती है उसमें अगर कुछ चेंजेस करना होता है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। अब जैसे मुझे इस वाली लिस्टिंग में चेंज करना है तो एडिट लिस्टिंग पे जाना है, यहाँ पर आप अपने प्राइस को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक मिनट,
प्रोक्योरमेंट टाइप, अगर यहाँ पे इन स्टॉक आपको शो करे यानी कि ये लिस्टिंग आपके एक्सप्रेस में नहीं हुई है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इन स्टॉक की जगह एक्सप्रेस ले लेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करते हैं वो आपका अपडेट हो जाता है, आप अपने डैशबोर्ड पे करेंगे वो प्रॉपरली अपडेट आपका हो जाएगा जैसे एक्सप्रेस करेंगे, और विथ इन अ 1 आवर ये पोर्टल पर भी अपडेट हो जाता है। लेकिन मैंने देखा कि मेरी 500 लिस्टिंग मैंने कर रखी है, वो सारी ही मेरी एक्सप्रेस में नहीं है, तो फिर क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन था, आपके पास प्रोक्योरमेंट टाइप का, यहाँ पर अगर मैं रेगुलर का फिल्टर लगा के अप्लाई कर लेती हूँ तो मुझे वही लिस्टिंग शो करेगी जो मेरी एक्सप्रेस में नहीं है, तो मैं यहाँ से फिल्टर्स भी यूज कर सकती हूँ। अब मैंने चेक तो कर लिया कि मेरी 500 लिस्टिंग एक्सप्रेस में नहीं है, सबको मुझे एक साथ मूव करना हो तो उसका भी ऑप्शन दिया है फ्लिपकार्ट ने आपको। यहाँ पे जाइए, लिस्टिंग को सिलेक्ट कीजिए, ये जो डॉट्स आ रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे तो दिस पेज और ऑल पेज का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं दिस पेज करूंगी तो इसी पेज की लिस्टिंग सिलेक्ट होगी, ऑल पेज कर दूंगी तो जितने भी लिस्टिंग है मेरी टोटल सिलेक्ट हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर आपको दिस पेज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ जब फाइल जनरेट करते हैं तो वहाँ पे टाइम लगती है। रिक्वेस्ट डाउनलोड पे जाएंगे, लिस्टिंग फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए जनरेटिंग फाइल लिख कर आ गया। जितनी ज्यादा लिस्टिंग होगी ये उतना ज्यादा टाइम टेक करता है। सो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 10 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके दिखाया है, फाइल आपको वैसे ही डाउनलोड करनी है, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे सारी डाउनलोड एक साथ हो जाएगी। नाउ डाउनलोड रेडी पे जाइए, जो लेटेस्ट फाइल थी आपकी उसे डाउनलोड कर लीजिए। ये एक्सेल में डाउनलोड होती है आपके पास, इस एक्सेल की फाइल को आपको ओपन करना है, एक्सेल में ही ओपन होगी, इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगी। सबसे पहले ये प्रोटेक्टेड व्यू होता है तो आपको इनेबल एडिटिंग करना है, F2 प्रेस करेंगे इनेबल एडिटिंग आपकी हो जाएगी। नाउ आपको यहाँ पे जाना है पी के कॉलम में, आपका यहाँ पे प्रोक्योरमेंट टाइप आपको पी के कॉलम में मिलेगा, लेकिन कुछ चीज अगर चेंज हो सकती है आपकी लाइक पी या क्यू में, आपके पास नॉर्मली क्योंकि आपके पास कोई एफ शॉर्ट की लिस्टिंग नहीं होती है तो आपको ये पी के कॉलम में ही मिल जाएगा। तो आप पीके कॉलम पे देख लेंगे आपको प्रोक्योरमेंट टाइप लिख के आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास यहाँ पर एक ये एरो साथ है, इस पे क्लिक करेंगे और एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सप्रेस को सिलेक्ट करके सबको एक साथ कॉपी पेस्ट कर देंगे सब जगह पे, फिर इस फाइल को सेम नेम से सेव करेंगे, इस फाइल के नेम को रीनेम नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने नेम को रीनेम कर दिया तो ये फाइल अपलोड ही नहीं हो पाएगी। अब इस फाइल के नेम को रीनेम मत कीजिए, इवन यहाँ पे सिर्फ आप एक चेंजेस नहीं कर सकते, आप चाहे तो और भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपना पैकेजिंग लेंथ विथ हाइट चेंज करना है, डिलीवरी चार्जेस चेंज करना है, तो ये सब आप एक साथ भी चेंज करके जो भी चेंजेस आपको करनी है उसे चेंज कीजिए, फिर सेम नेम से सेव करके वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाइए। यहाँ पे जाकर अपलोड पे लिस्टिंग फाइल को क्लिक करेंगे और जो फाइल आपने डाउनलोड करी थी उसी फाइल को इस तरीके से अपलोड कर देंगे। अपलोडिंग फाइल लिख कर आएगा, देन प्रोसेसिंग आएगा, फिर अपडेट सक्सेसफुल लिख कर आ जाता है आपको, तो जो भी आपने चेंजेस करेंगे आपको वो अपडेट हो जाएगा और विद इन 1 आवर वो प्रॉपरली पोर्टल पर भी अपडेट हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं प्रॉपर। नाउ अगर कोई भी इशू आता है लिस्टिंग करते टाइम, फाइल अपलोड करते टाइम, अगर किसी चीज को रेफर करना है ऑन टाइम, तो आप किन चीजों को कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपके लिए अवेलेबल है सैलून फ्लिपकार्ट के नेम से, या फिर आपके डैशबोर्ड पर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, होम के पेज पे जाइए, फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर का ऑप्शन अवेलेबल है, हेल्प का बटन आपके लिए अवेलेबल है, एंड द 3 डॉट यानी कि कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट। अगर आपको लिस्टिंग में कोई इशू आया तो लिस्टिंग एंड कैटलॉग पे जाएंगे, अब उसमें जो भी इशूज है, आपकी लिस्टिंग हो नहीं पा रही है, एरर अपलोड हो रहा है, सिंगल लिस्टिंग नहीं हो रही, लिस्टिंग ब्लॉक या इनएक्टिव शो कर रही है, तो आपको QC टीम के अकॉर्डिंगली ही कनेक्ट करना होता है, तो वो टिकट आप रेज करेंगे एंड देन वो टीम आपको कनेक्ट करते हैं। विद इन 24 आवर्स टीम आपको ऑटो मेल देती है एंड 24-48 घंटों के अंदर आपको टीम कनेक्ट कर लेती है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर लिस्टिंग करेंगे। एंड लास्ट में आप सभी के साथ में यहाँ पे एक फीडबैक का फॉर्म शेयर कर दे रही हूँ, सो इसे कैसे फिल करना है वो बता देते हो, देन फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी जस्ट वन बाय वन करके, सभी के क्वेश्चन जिनके भी हैंड रेज है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का एक फॉर्म ओपन हो जाता है आपके पास। इसे आप सबसे पहले ऊपर करेंगे, पहले ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे अपनी। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आपको कौन सी ट्रेनिंग आपने अटेंड करी, तो ये सिंगल एंड लैचन की ट्रेनिंग थी, ये आपको मेंशन कर देना है। ट्रेनर नेम में नेहा मेंशन करेंगे क्योंकि आज की ट्रेनिंग जो है वो मैंने ही कंडक्ट करी, तो आप मेरा नाम मेंशन करेंगे। ओवरऑल रेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग मुझे दे सकते हैं कि मैंने आपको सभी चीजें कैसे गाइड करी, क्या मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाई। तो अभी जिनके भी डाउट्स है मैं वन बाय वन सभी के डाउट्स लूंगी, तो वो इसे डाउट होने के बाद फिल कर देंगे।
वेबिनार की टाइमिंग सूटेबल थी या नहीं तो मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट पे लिस्टिंग करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा जो अपने प्रोडक्ट का नेम कि आई वांट टू लिस्ट ऑन दिस प्रोडक्ट, या फिर आपको इस पर लिस्टिंग चाहिए वो मेंशन कर दीजिए, अपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली आपके ले लेते, लेकिन अभी जो आप मुझे रेटिंग देंगे जैसे मैंने आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंगली ही मेंशन कीजिएगा। बाकी आपको अपने प्रोडक्ट पे चाहिए तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, डेफिनेटली हम आपका लाइव एग्जांपल ले लेंगे। हर सेशन में आप एक लाइव एग्जांपल लेते हैं अकॉर्डिंग टू फीडबैक। सो नाउ मैं यहाँ पे हैंड रेज चेक कर लेती हूँ। सो हैंड रेज जिस जिसके सभी के क्वेश्चंस मैं लूंगी, सबसे पहले यहाँ पे जो हैंड रेज है वो सुमन गेन, आप ही का हैंड रेज है, बता दीजिए क्या क्वेश्चन है मैम जी। सुमन गेन आई होप आप अवेलेबल है, प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ मैम, बोल रहा हूँ हम सिंगल लिस्टिंग करते हैं हर टाइम जी। हर टाइम हम सिंगल लिस्टिंग करते हैं, बात एडिटिंग के टाइम हम जी बल्क में एडिट कर सकते हैं क्या मेरा जो लिस्टिंग हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सिंगल लिस्टिंग कीजिए, बल्क में आपको एडिट करना है। अगर प्राइस स्टॉक ये सब एडिट करना है तो लिस्टिंग फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन अगर आपको अपनी लिस्टिंग के जो प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है उनमें चेंजेस करना है कुछ, या सर्च हाँ कीवर्ड ऐड करना है, तो वहां पर आपके लिए कैटलॉग फाइल होती है, वो कैसे डाउनलोड करना है वो बता देती हूँ। हाँ एक बार बता दीजिए। माय लिस्टिंग में जाएंगे, यहाँ पे ना आपको कैटेगरी सेम सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि ये बुक बुक आपको आ रहा है, अगर मैं जिस भी कैटेगरी में डील करती हूँ, अगर इयररिंग्स है तो सारी इयररिंग्स एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे आप, जितने भी आपने इयररिंग कर रखी होगी उन सबको वन बाय वन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी बुक की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे जाइए रिक्वेस्ट डाउनलोड पे, यहाँ पे देखिए कैटलॉग फाइल आ जाएगी आपके पास। अगर आपने दो अलग अलग कैटेगरी सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने एक ड्रेस भी कर दिया, कैटलॉग फाइल आपके लिए हाइड हो जाती है। कैटलॉग फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको एक ही कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि आपका ज्वेलरी में आप डील कर रहे हैं तो अगर आपकी जो ज्वेलरी सेट होगी वो सब एक साथ सेलेक्ट कीजिए, इयररिंग एक साथ कीजिए, मांगटिका है तो एक साथ कीजिए। अब यहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट डाउनलोड पे जाएगी, कैटलॉग फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके पास फाइल जनरेट हो जाएगी कैटलॉग की। 1 मिनट का टाइम लेती है ये जनरेट हो जाती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे आपको शो करेगी, कैटलॉग फाइल जो भी आपको नीचे शो करेगी, ऊपर आपको लिस्टिंग फाइल होती है। यहाँ पे देखिए अभी हमने रिसेंटली एक फाइल डाउनलोड करी थी तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, ये भी एक्सेल में आपके पास डाउनलोड होती है। अब इसे भी आपको ओपन करना है इसी तरीके से, ये देखिए आपकी जो पूरी फाइल होगी, 1 मिनट ये आपकी लिस्टिंग फाइल में वो ओपन नहीं हुई, मैं दिखा देती हूँ। हाँ ये ओपन हो गई हमारे पास, जैसे हम बल्क लिस्टिंग करते हैं फाइल बिल्कुल बल्क लिस्टिंग वाली होगी। पहले आप इनेबल एडिटिंग करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, अब आप इसमें एडिटिंग कर पाएंगे। आपको जाना है बुक वाले टैब पे, अब इसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आ रही है, आपकी क्या SKU ID है, क्या है आपकी है। अगर कुछ भी चेंजेस करना होता है यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं, या फिर ग्रीन सेल्स में आइए, आपको यहाँ पे सर्च कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो सर्च कीवर्ड एक साथ बल्क में ऐड कर दीजिए, फिर फाइल को सेम नेम से सेव कीजिए। सेव करने के बाद वापस डैशबोर्ड पे जाइए और यहीं जाकर अपलोड कर दीजिए, लेकिन अपलोड करते टाइम कैटलॉग फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपकी कैटलॉग फाइल थी है। और अगर लिस्टिंग फाइल डाउनलोड करी होगी तो वहां पर आप सभी लिस्टिंग को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करा इसे भी चेंजेस कीजिए, और यहाँ पे अपलोड करते टाइम लिस्टिंग फाइल कर लीजिए। बस इतना सा डिफरेंस होता है कि अगर आप कैटलॉग फाइल जनरेट करेंगे तो आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जी। एनी अदर क्वेरी? हाँ मैम, बोल रहा हूँ और सर्च कीवर्ड में जब हम एक्सेल शीट में करेंगे तो सर्च कीवर्ड में क्या डालें कीवर्ड डिवाइड करने के लिए? सर्च कीवर्ड अगर आपको मेंशन करना है तो आपको मैंने ट्रेंडिंग सर्च कीवर्ड्स के बारे में बताया, आप बायर पुटिंग की ट्रेडिंग तरह नहीं, वो वहां पर डबल डॉट या कमा जो होता है अगर आप वो क्या बल्क कीवर्ड डिवाइड करें? बिल्कुल बिल्कुल बता देती हूँ मैं आपको, अगर आप बल्क लिस्टिंग कर रहे हैं तो जो डबल सेमी कॉलन होता है वो आपको यूज करना होता है इस तरीके से। 1 मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको यूज करके दिखाया भी गया है। अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे लाइक कुर्ता फोर वुमेन, ये एक पूरा सर्च कीवर्ड हो गया। अब इसके बाद स्पेस मत यूज कीजिए, ये जो डबल सेमी कॉलन होता है ये यूज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला लिख देंगे ब्लैक कुर्ता
कुर्ता, तो जो भी आपका कीवर्ड से वो यूज करते जाइए और यहाँ पे सेमी कोलन लगाते जाइए हर एक सर्च कीवर्ड के बाद। अगर सिंगल में होता है वहां पे तो हम वो ऐड कर लेते हैं, कॉलम ऐड करते हैं, लेकिन बल्क में ऐड करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वाला लिख दीजिए, उसके बाद सेमी कोलन यूज कर लीजिए। ये जो डबल वाले कॉलम होते हैं ना, ये आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सेमी कोलन बन जाता है, फिर आपको ये यूज करना है। ठीक है, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सर, एनी अदर क्वेरी? नहीं ठीक है, हो गया। सो आई होप आपके क्वेश्चन, जिनके भी क्वेश्चंस रिजॉल्व होते जाएंगे, आई रिक्वेस्ट कि वो लोग भी फीडबैक को फिल करते जाएंगे, और अगर किसी सेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स पे ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मेंशन कर देंगे, डोंट वरी। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो हैंड रेज है वो तरुण दास, आपका हैंड रेज है, बता दीजिए क्या क्वेश्चन है आपका। लिस्टिंग में वीडियो ऐड कैसे करें? आप डायरेक्ट पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता, लेकिन जब आप एडिशनल डिस्क्रिप्शन में जाते हैं वहां पर एक वीडियो यूआरएल लिख कर आता है, तो वहां पर अगर आपका प्रोडक्ट की वीडियोस आपके पास अवेलेबल है जैसे कि यूट्यूब पर या फिर आपके खुद के वेबसाइट पर, तो उसका लिंक आप मेंशन कर सकते हैं, वो लिंक टीम कस्टमर को शो हो जाता है, कस्टमर डायरेक्टली उसे ओपन कर सकता है। मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर आपको वीडियो का लिंक देना होता है, पूरी वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते, वो ऑप्शन आपके पास अभी नहीं होता है। सो यूआरएल आप दे सकते हैं अपने डैशबोर्ड, जब आप लिस्टिंग ही कर रहे होते हैं, लाइक एड न्यू लिस्टिंग पे हम जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक लिस्टिंग कर रहे थे, ट्राफ वाली लिस्टिंग को हम ओपन कर लेते हैं, कंटिन्यू पे जब मैंने क्लिक करा तो ये जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन है इसमें एडिट पर आप क्लिक करेंगे, यहीं पर वो आपको ऑप्शन मिलेगा, एक मिनट, वीडियो यूआरएल करके, यहाँ पर आप वो लिंक पेस्ट कर देंगे अपने वीडियो का, चाहे वो यूट्यूब पर हो या आपके खुद के वेबसाइट पर हो या गूगल ड्राइव पर हो, आप मेंशन करके उसकी लिंक पेस्ट कर देते हैं, फिर कस्टमर को ये लिंक शो करता है, कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वीडियो अपलोड जो होती है ओपन हो जाती है। और यहाँ पर कितने वीडियो अपलोड कर सकते हैं? कितनी वीडियोस, एक या दो मेंशन कीजिए, लिंक आपको देना होता है तो लिंक मैं दे दूंगा, अगर एक से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकते हैं क्या? कस्टमर को समझ में ठीक है, हाँ दो वीडियो अपलोड कर एक लिंक मेंशन करेंगे, फिर एंटर प्रेस करके नीचे सेकंड वाला लिंक को आपस में मिसमैच मत कीजिएगा, पहले एक लिंक देंगे फिर एक एंटर का बटन आपके पास होता है उसे मेंशन कर, फिर नीचे दूसरा लिंक दे देंगे। ओके समझ गया जी। और एक क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस शिपिंग का टाइमिंग कैसा होता है? एक्सप्रेस का अगर आपको खुद से, मैंने अपनी लिस्टिंग को एक्सप्रेस में करी फॉर एग्जांपल, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको मॉर्निंग का स्लॉट ही मिलेगा सुबह 10 से 12 का, जो भी ऑर्डर आपको 10 बजे से पहले आ गए हैं उन्हें आपको 10 से 12 में आरटीडी मार्क कर देनी है और वो शाम तक आपके डिस्पैच हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइमिंग चेंज कराना चाहते हैं, आपको 10 से 12 की टाइमिंग सूटेबल नहीं लगती है, तो इसके दो स्लॉट और अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, 12 से 2, 2 से 4 का। उसके लिए क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आई वॉन्ट टू ऑप्टिन, मिनट, ऑप्टिन एक्सप्रेस डिलीवरी, ये वाला टिकट आपको रेस करना होता है, इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, नो रेस सेलर सपोर्ट टिकट पे चले जाइए और यहाँ पे मेंशन कर देना होगा कि आई वॉन्ट टू ऑप्टिन एन एक्सप्रेस डिलीवरी बट आई वॉन्ट टू चेंज माई टाइम स्लॉट। तो अगर आपको 12 से 2 का चाहिए या 2 से 4 का चाहिए, जो भी आपको चाहिए हो वो आप मेंशन कर दीजिए, आपके एरिया में जो अवेलेबल होगी टीम वो दे देगी। लेकिन खुद से अगर अपनी लिस्टिंग को एक्सप्रेस में करेंगे तो मॉर्निंग का स्लॉट ही मिलता है, वो बाय डिफॉल्ट मिलता है। और ये दिन में कि एक बार ही डिलीवरी लेने आता है? हाँ, एक टीम एक ही बार आती है आपके पास, तो जैसे कि जब मेरा आपका प्रोडक्ट पेंडिंग हैंडओवर में होगा, आप यहाँ पे आरटीडी आपने मार्क कर दी, जैसे ही मार्क करेंगे ये पेंडिंग हैंडओवर में चला जाएगा, यहाँ पर आपको टाइम शो कर जाएगा कि किस टाइम पर टीम आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए आएगी, उस टाइम से पहले प्रोडक्ट को रेडी रख लीजिए, आपका प्रोडक्ट पिक हो जाएगा। ओके, और बोल रहा था कि टीएम जो ब्रांड अप्रूवल लेना है मुझे, मैं तो ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया हूँ, वो अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, मतलब कि प्रोसेसिंग में है ट्रेडमार्क की अप्लाई, तो वो क्या हम ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? अप्लाई कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे? नहीं अभी नहीं, पहले आप ट्रेडमार्क का जो आपका सर्टिफिकेट मतलब एप्लीकेशन नंबर था उससे अप्रूवल हो जा रहा था, लेकिन अब आपको अगर अप्रूवल लेना है, अब रजिस्टर्ड कराना है, तो फिर आपको पूरा टीएमसी ही देना पड़ता है। सो पहले ये चीज थी कि आपके एप्लीकेशन नंबर से भी अप्रूवल हो जा रहा था, बट अब आपको वहाँ पे अप्रूवल उससे नहीं दिया जा रहा, बिकॉज ऑफ बाद में क्या कहते, गवर्नमेंट खुद ही जो आपने एप्लीकेशन किया था उसे बाद में रिजेक्ट कर देती है, तो इसलिए ही आपको अब पूरा टीएमसी जब आपका आ जाएगा तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा, जैसे ही आपके पास अप्रूवल आ जाएगा फिर आप ले सकते हैं।
तो मैं जो ब्रांड नेम अप्रूवल के लिए रहा था उस नाम से क्या मैं सेल कर सकता हूँ हाँ फिर तब? बिल्कुल बिल्कुल, सेल कीजिए उस नेम से। अगर वो ओपन ब्रांड में है तो कोई इशू नहीं है, अभी आप सेल कर लीजिए। जैसे ही आपका ट्रेडमार्क आ जाएगा उसके बाद आप रजिस्टर करवा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्टर्ड ब्रांड हो जाएगा। और रजिस्टर्ड कराते टाइम एक लाइन मेंशन कर देंगे कि इफ एनी सेलर लैच योर प्रोडक्ट, अगर किसी भी सेलर ने आपके प्रोडक्ट को लैच करा है तो प्लीज इसे ब्लॉक कर दीजिए। तो बाकी सेलर्स ने अगर आपके प्रोडक्ट को लैच करा होगा तो उसे टीम ब्लॉक कर देगी, उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे फिर। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है अगर आप ब्रांड ऑनर है तो। जी, एनी अदर क्वेरी? तरुण दास जी, कोई और क्वेश्चन है आपका? मिस्टर तरुण दास, आई होप यू आर अवेलेबल। मे बी सर का नेटवर्क इशू हो गया, तो अपने तो नेक्स्ट सेलर का क्वेश्चन ले लेते हैं, वो आएंगे तो हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। ग्रीश, मिस्टर ग्रीश जी, आपका हैंड रेज है, बता दीजिए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम, मेरा ब्रांड अप्रूवल में इशू आ रहा है। वहां पे ऐसा लिखा रहा है 360 डिग्री इमेज नहीं है, जबकि मैंने हर साइड से अपने टी प्रोडक्ट का इमेज डाला है। ओके ठीक है, एक काम कीजिए, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे, मुझे उस इमेज को डाउनलोड करके मुझे चेक करनी होगी, तो एक बार अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए, क्या उसमें चीज नहीं मिसिंग है वो बता दूंगी फिर मैं आपको उसे देखकर। ओके जी, आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए। या आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो गई है, अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। ठीक मैम, यहाँ पे ऐसा लिखा रहा है 360 डिग्री है, इमेज इसके मिसिंग। आगे जो रिक्वेस्ट आईडी है ना उससे उस पर क्लिक कीजिए, इधर आपको रिक्वेस्ट आईडी आ रही होगी उस पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड ओके, किया हुआ। अदर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, ये आपने कहाँ ओपन कर रखा है? आप पे ओके, ऐप पे ओपन कर रखे, इसे आप क्रोम पे ओपन कर लेंगे, वहां से जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा होगा वो डाउनलोड हो जाती है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, काइंडली अपलोड द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपको ओके ठीक है, ये जो आपको डिटेल्स वाला है इस पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, जो ये जिप फाइल है 3 डिग्री के ऊपर डाउनलोड लिख के आ रहा है, 360 डिग्री। या डाउनलोड फेल आ रहा है उस पे। ओके, क्योंकि ऐप पे समटाइम ये डाउनलोड नहीं होती है, तो आप इसे क्रोम पर ओपन कर सकते हैं अभी। जस्ट अ सेकंड मैम। हाँ, क्रोम पे कीजिए, वहां से डाउनलोड हो जाती है, क्रोम पे करके डेस्कटॉप साइट कर देंगे, प्रॉपर लैपटॉप की तरह शो करेगा आपको। ओके मैम, जस्ट अ सेकंड। आप एक काम कीजिए, आप किसी और का स्क्रीन ले लीजिए, मैं वो पहले फोटोज में देख लेती हूँ कि कौन सा वाला मुझे आपको शो करना है। ठीक है, ओके, नो इशू, आप देख लीजिए, मैं 2 मिनट का वेट कर लेती हूँ आपके लिए। सो नेक्स्ट, किसी अगर किसी सेलर का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। एक सेलर ने मुझे चैट में क्वेश्चन पूछ रखा है, हाँ मैम, एक पैकेजिंग के क्वेश्चन है, मैंने फ्लिपकार्ट पैकेजिंग मंगाई थी बट अभी मुझे रिसीव नहीं हुई है। ओके, तो जब तक अगर आपने मंगा रखी है तो आपको, क्यों ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के पास पता है कि आपने उस पर ऑर्डर्स कर रखा है और आपको नहीं रिसीव हुई है, तो प्लेन पैकेजिंग जो है जिस पर किसी दूसरे ब्रांड का नेम ना शो करे वो वाली पैकेजिंग यूज कर लीजिए। बस किसी दूसरे ब्रांड का नेम नहीं शो होना चाहिए, कोई इशू नहीं आएगा, टीम आपको कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछती, आप सिंपल पैकेजिंग यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि किसी दूसरे ब्रांड का नेम ना विजिबल हो उस पे, लाइक आप अमेजोन की पैकेजिंग फ्लिपकार्ट पे नहीं कर सकते या मिंत्रा की नहीं कर सकते, बस ये ध्यान। प्लेन पेपर बैग है, प्लेन पॉलिथीन है, पैक कर दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। सो अगर किसी भी सेलर्स का और कोई क्वेश्चन अभी अवेलेबल है तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ जी, प्रवीण कुमार जी, आपने हैंड रेस करा है, कोई क्वेश्चन है आपका? यस मैम, मैंने अपनी स्क्रीन। एक मिनट अग्रीश जी, जस्ट 1 मिनट रुके, उनका बस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर मैं आपकी यस स्क्रीन देख लेती हूँ, यस, एक मिनट नॉट रुक एन इश्यू, जाइए। नॉट एन इश्यू। जी, हाँ जी, बताइए सर, आपने क्या रिपीट कर दिया अपना क्वेश्चन? ब्रांड नेम में आपको स्पेस कम करना है। ओके, लिस्टिंग अगर लाइव हो चुकी है फिर तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, आगे से जो लिस्टिंग करेंगे उसे आप उसमें विदाउट स्पेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि
ब्रांड एंड वर्टिकल लिस्टिंग पास होने के बाद चेंज नहीं होती, वो टिकट रेस करने पर भी चेंज नहीं होगी। अगर एक दो लिस्टिंग पर है तो वहां पर सजेशन है कि उसे आप हाइड कर दीजिए, फिर दोबारा से रीलिस्ट कर सकते हैं, आर्काइव करके दोबारा 3 घंटे में लिस्टिंग कर सकते हैं उसी प्रोडक्ट की। बट अगर सभी प्रोडक्ट पर है तो कोई इशू, दो ब्रांड नेम से कोई इशू नहीं आता, उसे आप उसी में रहने दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब लिस्टिंग करेंगे तो जो पर्टिकुलर आपका जो ब्रांड नेम उसके अकॉर्डिंगली कर दीजिए। नेहरू जैकेट मैं एक बार कल चेक करके बता दी, कल कितने बार सिंगल लिस्टिंग के सेशन है, देन अगर दो होंगे तो नेक्स्ट वाला आपका हम करा देंगे। जस्ट 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, कल जो सेशन है सिंगल लिस्टिंग का मॉर्निंग में है, कल थर्सडे है, ओके ठीक है, मॉर्निंग में है, और कल इवनिंग में नहीं है, परसों इवनिंग में, फ्राइडे को अगर हो जाए तो कोई इशू है? ठीक है, फ्राइडे को 4 बजे सेशन है सिंगल लिस्टिंग का, तो फ्राइडे को हम आपके नेहरू जैकेट पे करा देंगे, डोंट वरी। ओके थैंक यू सो मच जी मैम, यू कैन कंटिन्यू मैम। ओ मैम ये देखिए,